अभी हमारे साथ विवेक जांगिड़ है, अभी आप एम्स जोधपुर में हैं, और मुझे ये जानकर बड़ा अजीब लगा कि मतलब आप इंजीनियर श्रवण चौधरी जो सीएलसी के डायरेक्टर हैं, आप उनके घर रहे। आमतौर पर मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पे बहुत सारे हॉस्टल्स हैं, हॉस्टल में भी बच्चे रहते हैं, तो ये क्या कहानी है कि आप उनके घर पे रहे, ये कैसे हुआ? एक्चुअली मुझे भी स्टार्ट में बिलीव नहीं होता कि मैं उनके घर पे रह पाऊंगा और मुझे ऐसा सौभाग्य मिलेगा, बट ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सीएलसी इज वन ऑफ द बेस्ट यूनिक इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया विच जो ऐसा विश्वास रखता है स्टूडेंट के ऊपर, फैमिली के ऊपर, तो वही कहीं ना कहीं एक विश्वास, एक बॉन्डिंग है जो बॉस की हर एक स्टूडेंट के साथ, नॉट ओनली विद मी, इट्स अलॉन्ग विद ऑल द स्टूडेंट्स। बॉस का जो विश्वास है, जो प्यार है, वो सभी के साथ ऐसा ही है, बस उनके विश्वास को उसके साथ चलना होता है। और इसी का परिणाम था कि मैंने जब बॉस से बात की, 2021 का पेपर थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ, उसके बाद मैंने बॉस से बात की तो उन्होंने बोला कि तुझे कहीं रहने की जरूरत नहीं है, हॉस्टल में रहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल मेरे घर पे आ जा। तो मैं मतलब ऐसे लगा कि मैं अपने घर से निकला, वापस अपने घर में चला गया। मुझे ऐसा लगा, मैं जयपुर से घर से निकला था, खुद के घर से, और सीकर में आके वापस अपने घर में आ गया, बॉस के घर में जब रहा तो। और वहाँ पर बिल्कुल एकदम मैं अपने फैमिली की तरह रहता था, ऑब्वियसली वो मेरी फैमिली है, वो मेरे पेरेंट्स की जैसे ही है बिल्कुल। तो वहाँ पे पढ़ाई करना एकदम अच्छा था, बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर था डेली, लाइक बॉस इंटेलेक्चुअल है तो उनके साथ मुझे भी एकदम पूजा पाठ करना अच्छा लगता था, तो हम डेली पूजा पाठ करते थे मंदिर में बैठ के, और बहुत ही अच्छा, उससे एक अच्छा कामनेस मिलता है, इंटेलेक्चुअलिटी आती है, और काफ़ी सीरीन होकर हम पढ़ाई करते हैं, तो वो कहीं ना कहीं मेरे लिए हेल्पफुल था। और उसी की बदौलत मैं अपने अच्छे ड्रीम कॉलेज में पहुँचा, एम्स जोधपुर, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज ऑफ इंडिया, वहाँ पर मैं पहुँचा, और आज लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही है। और सीएलसी जब अब जैसे आज यहाँ पे आए हैं तो वापस पुरानी चीज़ें याद आती है, और कहीं ना कहीं नॉस्टैल्जिया भी है, कहीं ना कहीं वो गुड फीलिंग्स भी हैं जो हमें और इमोशन अटैच करती है सीएलसी के साथ। सो ये ओवरऑल एक यूनिक एक्सपीरियंस है सीएलसी के साथ मेरा जो रहा। उसके अलावा कोविड को, उससे पहले की बात करें, 2021 की या 2022 की जो हम प्रिपरेशन थे उस टाइम पे, मैं कुछ समय के लिए हॉस्टल में रहा, तो कोविड का कैसा एक्सपीरियंस था वो भी लाइक एकदम यूनिक था। उसके लिए बॉस ने हमारा स्पेशल ट्रीटमेंट्स दिया सभी स्टूडेंट्स को, उनके लिए तैयारी करवाई गई, हॉस्टल्स में पेपर हमारे करवाए गए। ये अवेलेबिलिटी करवाना एक अपने आप में अलग चीज़ है, पेरेंट्स के विश्वास को जीतना बड़ी बात है, क्योंकि कोई भी पेरेंट कोविड जैसे डेंजर पीरियड में अपने बच्चों को बाहर नहीं छोड़ेगा, लेकिन बॉस के पास बच्चे रुके हुए थे क्योंकि उनका विश्वास था, पेरेंट्स का विश्वास था। तो ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि सीएलसी हर एक घर से, हर एक गांव से, हर एक ढाणी से, हर एक जगह से, हर एक परिवार से जुड़ी हुई रहती है, बिल्कुल मन से जुड़ती है, ताकि लोग उन पर विश्वास करते हैं और उसी की बदौलत उनके सपने साकार होते हैं। सो अगर आप आना चाहते हैं सीएलसी में, अगर आप जुड़ना चाहते हैं सीएलसी से, तो प्लीज़ विजिट कीजिए, क्योंकि इसके बाद आप कहीं और जाने का मन नहीं करेगा, और यहाँ से आप सीधे अपने सपनों को साकार करने के लिए अपने ड्रीम कॉलेज में पहुंचेंगे। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर यू ऑल गाइस एंड थैंक यू। एंड मैं एक चीज जानना चाहता हूं कि मतलब जैसे इंजीनियर श्रवण चौधरी के बारे में सभी अच्छी बातें करते हैं, मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है, और टॉप मैनेजमेंट अच्छा होता है वहां पे चीजें अच्छी होती, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि मतलब इंजीनियर श्रवण चौधरी के अलावा जो बाकी फैकल्टीज हैं, बाकी जो स्टाफ है, उनका कोऑपरेशन कैसा था स्टूडेंट्स के साथ, कि भाई जो अच्छी तैयारी कर रहे हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स रिजल्ट दे सकते हैं, उनके साथ किस तरीके से ट्रीट करते थे, या कैसे एक बैलेंस सेट कर पाते थे कि जो एटीट्यूड इंजीनियर श्रवण चौधरी रख रहे हैं, कितना वो उसको मैच कर पाते थे? यस सर, एक्चुअली जैसा बॉस ने पहले ही बताया, और ये मुझे भी ऐसे लगता है कि लाइक कोई भी टीचर ऐसा डिफरेंट नहीं होता है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं होता है कि कोई टीचर कैसा है, कोई कैसा है, डिपेंड करता है कि आप उन सभी को, अपनी जो टीम है उसको आप कैसे मैनेज करते हो, उसको कैसे कंट्रोल करते हो ओवरऑल, और उनके साथ उन्हीं के एंटिसिपेशन के अकॉर्डिंग आप बात करते हैं, तो वो डिपेंड करता है कहीं ना कहीं। और ये बॉस को बखूबी निभाना आता है, अपनी टीम को मैनेज करना बखूबी निभाना आता है, तो इसी की बदौलत है कि आज हर एक टीचर सीएलसी का दी बेस्ट है। वो जिस तरह से काम करता है, बिल्कुल मन से एकदम अपना परिवार समझ के उसको काम करता है, बच्चे के लिए काम करता है, स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट वेलफेयर में सारे काम करते हैं, जैसा जितनी लगन से बॉस सीएलसी के लिए काम करते हैं, उतनी लगन से सीएलसी का ईच फैकल्टी मेंबर, चाहे वो टीम मेंबर हो, कोर मेंबर हो, सभी उसी लगन से काम करते हैं, और उसी का परिणाम है कि बच्चे अच्छे से अच्छा स्कोर करते हैं और उनको मैनेज कर पाते हैं, अपने अपने गोल्स को पूरा कर पाते हैं। अच्छा, आप जयपुर से हैं, तो जयपुर में जब आप होते हैं तो आप पूरे राजस्थान के किसी भी इंस्टीट्यूट में जा सकते थे, बहुत सारे फैंसी नेम्स हैं, या अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके की फैसिलिटीज़ होती है, आपने सीएलसी को ही क्यों चूज़ किया?
ऑब्वियसली सर मैं बताना चाहूँगा कि कोइंसिडेंट ही था, बट मुझे लगता है कि ये कोइंसिडेंट पहले मुझे लगा कोइंसिडेंट है, बट उसके बाद जब मैं सीएलसी के साथ जुड़ा गया तो मुझे लगा कि ये कोइंसिडेंट नहीं था, ये कहीं ना कहीं बना प्रोग्राम था कि हाँ मुझे सीएलसी आना है, मतलब भगवान ने मुझे सीएलसी भेजना था। और सच में मुझे उसके बाद बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर आने के बाद ऐसा लगता है कि आप घर से निकलते हो, परिवार वापस परिवार में पहुँचते हो, और वहाँ की असेंबली, वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सारी चीज़ें, और यूनिक एंड वन ऑफ द बेस्ट, सो वो सब चीज़ें जुड़ना। और मुझे बस आना था, लाइक ऑब्वियसली जयपुर इज़ अ मेट्रो सिटी, इंडिया का अच्छा सिटी है, वहाँ पे और भी काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं और भी अलग अलग नेम्स हैं, बट फिर भी मुझे लगा कि लाइक मुझे सी एल सी आना। मैंने बस एक दो जो जैसे अब हमारा इंट्रो सेशन है, वैसे ही और भी स्टूडेंट्स का इंट्रो सेशन, उनका एक्सपीरियंस जो शेयर होता है सोशल मीडिया पर, उनके माध्यम से मैंने देखा, तो मुझे लगा कि हाँ यही एक यूनिक चीज़ है जो दिखती है कहीं ना कहीं, और उसके अकॉर्डिंग मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गो विद सी एल सी। एंड मैं सी एल सी पहुँचा और अपने सपनों को साकार किया और अपने ड्रीम कॉलेज में पहुँचा। सो कहीं ना कहीं सी एल सी का ऑब्वियसली हमेशा लाइफ में एक कंट्रीब्यूशन रहेगा जो मेमोरेबल है, अनफॉरगेटेबल है। थैंक यू। जिन लोगों को नीट नहीं पढ़नी या जो लोग डॉक्टर नहीं बनने वाले हैं उनके लिए, मतलब जो मेडिकल कॉलेज है उनको ज़्यादा समझ नहीं आता, डॉक्टर्स तो समझ आते हैं, हॉस्पिटल समझ में आता, एम्स जोधपुर मतलब एक काफ़ी रिनाउंड नेम है, वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल इंस्टीट्यूशन है, वहाँ पर लाइफ कैसी है, मतलब क्या होता है वहाँ पे, क्या अलग है, क्यों लोग एम्स में जाना चाहते हैं, इसके बारे में भी आप थोड़ा बताएं। बिल्कुल, ऑब्वियसली एम्स दैट मींस ऑल इंडिया इंस्टीट्यूशन ऑफ मेडिकल साइंसेज, सो इसका नेम ही ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, सो इट ट्रीट्स ऑल द स्टूडेंट्स विद, यहाँ पे देखो आपको सबसे अच्छी वैरायटी मिलेगी हमारे एम्स में, लाइक इस बार मैं हूँ तो इंडिया के कोने कोने का स्टूडेंट है, हर एक कोने से स्टूडेंट आया है, और असम से, वेस्ट, ईस्ट, सब जगह से स्टूडेंट है, तो उनकी वैरायटी, उनका एक्सपीरियंस, उनकी कल्चर, वो सब हमें शेयर होता है। उसके साथ एम्स जोधपुर की हम बात करें तो इट हैज़ मैनी मैनी यूनिक प्रोग्राम्स विच इंक्लूड्स स्टूडेंट, जो दैट गिव्स स्टूडेंट्स एज अ क्लिनिकल एक्सपोजर। सो हमें इसके लिए हमारा फैमिली एडोप्टेशन प्रोग्राम आपको बताना चाहूँगा, एम्स जोधपुर एग्जीक्यूट्स ए फैमिली एडोप्टेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर, विच इज़ अ यूनिक प्रोग्राम इन ऑल ऑफ इंडिया, एंड ये सिर्फ एम्स जोधपुर में चलता है। और इसके इन्वॉल्विंग दिस प्रोग्राम वी आर गिवन ए फैमिली फ्रॉम द ओपीडी डिपार्टमेंट और आईपी डिपार्टमेंट, जो डिलीवरीज होती हैं उनके, जो बेबीज होते हैं उनको ट्रीट करने के लिए, उनको कैसे उनसे उनका डेवलपमेंट कैसा होना है, उनकी जो रूरल एरियाज़ है, जो अर्बन एरियाज़ है, जो लोग इतने नॉन नहीं है, जो जानते नहीं चीज़ों को, तो उनको कैसे बताना, फैमिली प्रोग्रामिंग, बच्चों का न्यूट्रिशन, इवन मदर का न्यूट्रिशन, उन सारी चीज़ों के बारे में बताना, उस बच्ची का मेंटल, फिजिकल, सोशल, हर तरह का डेवलपमेंट कराना, इसके लिए हमें फैमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम दिया जाता है। और फैमिली अडॉप्टेशन प्रोग्राम के अंदर हर एक स्टूडेंट को एक यूनिक फैमिली, एक फैमिली प्रोवाइड की जाती है, वो उसे 1 to 2 ईयर तक कनेक्टेड रहता है, तो कहीं ना कहीं वो स्टूडेंट उससे बात करेगा, उस फैमिली से, एम्स की एम्स की जो अथॉरिटीज़ है, जो फैसिलिटीज़ है, वो स्टूडेंट को उनसे कनेक्ट करवाती है, टाइमली पीरियड से, फ्रिक्वेंट पीरियड से हम उनके पास विजिट करते हैं उन फैमिलीज से, उनसे बात करते हैं, वो हमसे जानते हैं, और उससे हमें कहीं ना कहीं एक एक्सपीरियंस शेयर होता है, एक एक्सपीरियंस मिलता है कि माँ कैसे अपने बच्चे को पालती है, उसको हमें क्या समझाना चाहिए, क्या एक्स्ट्रा चीज़ बतानी चाहिए, तो ये कहीं ना कहीं जो क्लिनिकल एक्सपोजर का पार्ट है, जो बताता है, जो एम्स के स्टूडेंट को और ऊपर बनाएगा लोगों से, जो फर्स्ट ईयर से ही क्लिनिकल एक्सपोजर में चले जाएंगे, जो फर्स्ट ईयर से ही पेशेंट से बात करना सीख जाएंगे, उनसे इमोशनली और अटैच होना सीख जाएंगे, तो ये कहीं ना कहीं एक यूनिक प्रोग्राम है। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे यूनिक प्रोग्राम चल रहे हैं एम्स जोधपुर ने, मैं आपको बताऊँ, द फर्स्ट रोबोटिक सर्जरी इन इंडिया स्टार्ट किया है एम्स जोधपुर ने, और सक्सेसफुली उन्होंने रोबोटिक सर्जरीज की, जो एम्स जोधपुर का फर्स्ट यूनिक प्रोग्राम था। उसके अलावा एम्स जोधपुर हैज़ IIT कोलेबरेशन विद IIT जोधपुर, सो कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी को बायोलॉजी में ऐड करके और ज़्यादा कैसे ह्यूमन वेलफेयर के लिए, पेशेंट केयर के लिए इंक्लूड किया सकता है, तो उसके ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स एम्स जोधपुर चलाता है। और कैंपस की अगर हम बात करें तो आई थिंक दिस इज़ द वन ऑफ द बेस्ट कैंपस, लाइक आपको एम्स जोधपुर में एंटर करते हैं आपको यू हैव एंटर्ड इन डिफरेंट वर्ल्ड, सो बिल्कुल एक काम सीरीन लाइफ है वहाँ पे, इतना शांत कैंपस है, हर एक फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड की गई हैं, हर एक फैसिलिटी वहाँ पे प्रोवाइडेड है। फीस स्ट्रक्चर की तो कोई बात करने का मतलब ही नहीं, लाइक मतलब एक स्टूडेंट जो फीस स्ट्रक्चर नॉर्मल उसका खुद का पॉकेट मनी होता है, उससे बहुत बहुत कम हमारा फीस स्ट्रक्चर है, जो इतनी फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। मैं आपको बताऊं, एम्स इंस्टीट्यूट जो प्रोग्रामिंग है, विद इन द ड्यूरेशन ऑफ 5.5 ईयर्स ऑफ MBBS, इट एक्सपेंस मोर देन 1.5 करोड़ रुपीज ऑन ए स्टूडेंट, पर स्टूडेंट, विच इज़ फंडेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सो ऑल ओवर इतना एक्सपेंस बच्चे के ऊपर करना, और ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि उसको किस क्वालिटी का दर्जे का एक गुड डॉक्टर, मेडिकल ऑफिसर उसको बनाया जाएगा, एक सर्जन बनाया जाएगा, और अपने एम्बिशंस को वो फॉलो कर पाएगा। सो एम्स इज़ यूनिक प्रोग्राम, सो यू ऑल आर वेलकम टू एम्स
have you an aim for your aims? And मेरा भी aim था कि मैं aims में जाऊँ and I achieve this goal. This is my aim for aims Jodhpur only from CLC. So always with CLC and thank you CLC. चलिए मैं last में ये चाहता हूँ कि जो neat aspirants है जो अभी तैयारी कर रहे होंगे या doctor बनने का ख्वाब पाल रहे होंगे उनको लास्ट में आप क्या मैसेज देना चाहेंगे क्योंकि आपने लंबा सफ़र तय किया आप एम्स जोधपुर तक पहुँचे हैं तो मैं चाहता हूँ उनको आप मैसेज दें सो ऑल द नीट एस्पिरेंट्स हु आर वॉचिंग दिस वीडियो और जो कभी आगे इस वीडियो को देखेंगे तो उनसे मैं यही कहना चाहता हूँ कि अगर आप सच में इवन इफ यू आर नीट एस्पिरेंट और IIT एस्पिरेंट अगर आप सच में मंजिल के लिए जाना चाहते हैं तो पहले डिसाइड कीजिए कि आपको सबसे पहला जो चीज़ है सबसे फर्स्ट स्टेप जो है वो ये नहीं कि आपको एक कोचिंग इंस्टीट्यूट को चुनना है और ये नहीं कि आपको एक इंसान को पकड़ना है सबसे पहला स्टेप है कि आपको खुद के अंदर झांकना है सबसे पहला स्टेप है आपको अपने अंदर विश्वास जगाना है एक हौसला जगाना है कि हाँ आप ये कर सकते हो अगर आपने सोच लिया कि आप ये कर सकते हो तो फिर आप ये कर ही सकते हो देखो लोग ऐसा बोलते हैं ना कि अगर इंसान चाहे तो दुनिया बदल सकता है लेकिन वो चाहे तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज इफ यू वांट अगर आप चाहते हो तो आप कर सकते हो हाँ वो मुश्किल हो सकता है काम लेकिन अगर आप चाहते हो तो कर सकते हो तो अपने अंदर विश्वास जगाओ कॉन्फिडेंस जगाओ और एक अच्छा एक हाथ पकड़ो जो आपको लेके जाए अपनी मंजिल की ओर सो जैसे मैंने हाथ पकड़ा हमारी CLC का तो आप चुनिए आप विजिट कीजिए CLC को विजिट कर सकते हैं और उसके अलावा ऑब्वियसली अगर आप यहाँ पर आएंगे तो वापस सेलेक्ट होके ही जाएंगे अपने कॉलेज में पहुँचेंगे ये मेरा वादा है तो अगर आप पूरा सिस्टम फॉलो करते हैं मन से लगिए जुड़ जाइए अपने एम्बिशंस को लेके और मोटिवेशन कुछ लोग बोलते हैं कि जो डिप्रेशन आता है कुछ लोग बोलते हैं हमसे पढ़ाई नहीं होती कुछ लोगों को लगता है कि 4 दिन पढ़ते हैं अगले 10 दिन पढ़ाई नहीं हो पाती है डिप्रेशन आता है मार्क्स कम आते हैं तो मोटिवेशन क्या होता है मैंने ये नहीं सोचा कि मोटिवेशन कोई बाहर से आता है किसी की मोटिवेशन स्पीच से आता है नहीं मैंने मोटिवेशन का जरिया मेरा मोटिवेशन सिर्फ ये था कि अगर मैं सिलेक्ट हो जाऊँगा तो उसके बाद मेरे परिवार में जो खुशी होगी वो कैसी होगी मैं उसे फील करता था मेरे पेरेंट्स कितने खुश होंगे मेरे दादा दादी कितने खुश होंगे आज मैं आपको लिटरली मेरा एक्सपीरियंस शेयर करूं मैं जहाँ भी जाता हूँ इवन किसी मैरिज प्रोग्राम में मैरिज सेरेमनी में किसी भी फैमिली प्रोग्राम में कहीं भी जाता हूं तो लोग बात करते हैं वो आगे से मुझसे बात करते हैं मेरे पेरेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेशन देते हैं ग्रीटिंग्स देते हैं तो वो खुशी हमेशा बनी हुई है टाइम इतना हो चुका है नीट दिए लेकिन अभी भी वो बनी हुई है अभी भी हमें उसके ग्रीटिंग्स मिलते हैं तो वही एक आपका मोटिवेशन आना चाहिए ऑब्वियसली यही आपको हमेशा ये सोचना चाहिए कि अगर जब मैं सेलेक्ट हो जाऊँगा जब सक्सेस हो जाएंगे तो उसके बाद कैसा माहौल रहेगा एटमॉस्फेयर रहेगा बस वो एक चीज़ है जो मुझे हर बार मोटिवेट करती थी और अगर मैं कभी डिप्रेस होता था डीमोटिवेट फील करता था तो यही थिंग थी जो मुझे वापस अपनी ट्रैक पर लाके हार्डवर्क की ओर लेके जाती थी सो दैट यू ऑल गाइस आर आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन एंड आपको देना चाहूँगा ऑल द वेरी बेस्ट विशेस फॉर योर एग्जामिनेशन 2023 एंड सो ऑन इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर नीट एंड JEE चूज institution just like CLC I have chosen so all the very best thank you Vivek aapse baat karke hame bahut acha laga aur definitely jo neat aspirants honge jo abhi taiyari kar rahe honge unke liye aapne bahut sari achhi achhi baatein batayi hame aapse baat karke bahut acha laga aur hum ummeed karte hain ki aane wale samay mein aapka jo sapna hai cardiologist banna to wo aap bane aur jo doctor ka ek noble profession hai usko nibhate hue us yatra pe aap chalte hue bahut sare matlab jo logon ko ya matlab jo मानवता है उसका आप भला करें बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू